प्यारे बच्चों वंदे मातरम। हम देख रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड, हमारा पेज नंबर 52। और बच्चों हम कर रहे हैं हमारा ये लेसन जिनका ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 8, द मस्कीटोज डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो हम क्या ट्रीटमेंट लेंगे बच्चों, ये हम डिस्कस कर रहे थे। ये क्यों कॉजेज इनके क्या है, ये हमको चैन से क्यों जीने नहीं देते, इनको क्या प्रॉब्लम है और ये हमें कैसे दूषित करते हैं, तो ये हम देखेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरती, वेयर डिड यू सी देम? तो हम किन की बात चल रही है अभी, हमने लास्ट टाइम पेज नंबर 1 पे देखा, 71 पे देखा कि कैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है बच्चों। विपुल एंड निशा ये सब लोग क्या कर रहे थे, मस्कीटो से कैसे बचाव करने उनके बारे में ये सोच रहे थे। तो आरती जो है, वेयर डिड यू सी देम, आरती ने देखा और फील किया कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, तो वहाँ पे एक पॉट पड़ा था बच्चों, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज एंड व्हेन आई टुक देयर, आई लुक देयर, आई सॉ अ लिटिल टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग। अभी ये ग्रे थिंग्स क्या है, हमने कभी देखा है? नहीं नहीं, हमने ये नहीं देखा, क्योंकि क्या है, हमने कभी गंदगी रखी नहीं है, कभी पिछवाड़े पानी इकट्ठा हुआ नहीं है, तो हम शायद नहीं भी देख सकते। बट अगर बाई चांस आप कोई गंदी जगह से जा रहे हो बच्चों, तब आप ज़रूर ये देखोगे। तो ये है क्या, वॉट डिड यू डू? पापा इमीडिएटली थ्रो अवे द वाटर, ही क्लीन्ड एंड ड्राई द पॉट, केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर कुड कलेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, हम गंदगी फैलाने की कोशिश में नहीं होते, लेकिन जस्ट बिकॉज वहाँ पे थिंग्स रखे हुए हैं, इसीलिए मस्कीटोज और लार्वी वहाँ पे होता है इकट्ठा। तो लार्वी सीन थ्रू मैग्निफाइंग ग्लासेस लेंसेज, तो देखिए ये छोटे छोटे कीड़े हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, लेंसेज में कैसे लग रहे हैं ये। तो निशा बोलती है, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, उन्होंने जल्दी से पानी सब फेंक दिया, क्लीन किया और वहाँ रख दिया। तो हरप्रीत बोली, साजिया आंटी टोल्ड मी दैट डीज फ्लाई स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। बापरे, अब किसको कुछ पता नहीं है, और मान लो कोई गया वहाँ सिर्फ पानी में हाथ भी डाला हो, तो ये इंसेक्ट उनको काट भी सकते हैं और इन्फेक्शन भी फैला सकते हैं। बट फ्लाइज डू नॉट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेस? फाइंड आउट एंड टेल। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दैट एनीवेयर? और Who do you think puts up the posters or giving advertisement in the newspaper? What are some of the important points given in the poster? Why do you think pictures of a tank, cooler, old tires, pits and pots are shown in the poster? तो पोस्टर्स पे आपने कभी देखा है कि ये पोस्टर ऐसे लगे हुए हैं बच्चों? क्या आपने टैंक और कूलर्स ऐसे चेक किए? तो हाँ, अगर आपने पानी इनका यूज़ नहीं किया है और ऐसे ही रखा है, तो इसमें यही सीन मिलता है। व्हाई डू यू थिंक अबाउट द टॉक्स एंड पुटिंग फिशेज इन द टैंक? व्हाट विल द फिश इट? फिश वही ही ये सभी खा लेते हैं, इसीलिए कभी कभी लोग टैंक में भी डालते हैं, ताकि उनका टैंक जो है वो फ्री रहे, ठीक है, और वो हेल्पफुल रहे। व्हाट डिड हैपन व्हेन ऑयल स्प्रेड ऑन द वाटर? तो वो पानी अगर उस पर रखा है तो तैरने लगता है। तो 72 पेज नंबर हमारा यहाँ फिनिश हुआ है बच्चों। हम देखेंगे पेज नंबर 73, फाइंड आउट विच डिजीज आर स्प्रेड बाई फ्लाइज एंड हाउ। आपको पता है फ्लाइज कहाँ कहाँ जाके बैठती है, गंदी जगह पे जाके बैठती है, अभी इसके बारे में बोलना भी बहुत शर्मसार लगता है।
तो मस्कीटो इन्वेस्टिगेशन डिवाइड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इनटू ग्रुप ऑफ टू और थ्री. ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन स्कूल और अराउंड इट. इट मस्ट बी नोटेड केयरफुली इफ वाटर हैज लॉग्ड एनीवेयर और मार्क्ड वेयर इट फाइंड स्टेग्नेंट वाटर. पॉट कूलर टैंक और एनी स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड गटर और एनी अदर प्लेस. तो हम तो इतनी साफ सफाई जगह में रहते हैं तो कुछ ध्यान नहीं, बट बच्चों अगर आपने देखा है तो आप अगर पॉट कोई पड़ा है आपके यहाँ और उसमें गंदगी है तो आप पॉट पे टिक कर सकते हो. कूलर में है अगर आपने देखा है तो कर सकते हो. बाकी आज तक मैंने मेरे घर के आसपास ऐसा नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, अगर हम बाहर जाते हैं कोई जगह जो काफ़ी देर से बंद पड़ी है तो फिर हम देखेंगे कि उनके टायर के पानी में ऐसा पड़ा है. ठीक है, सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर लॉक देयर, पता नहीं कितने दिन से. अगर मैंने तो नहीं देखा है, अगर आपने देखा है तो आप देखिए, तीन चार दिन से अगर हो तो. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दैट प्लेसेस. तो जो जगह आपने देखी है उसके बारे में आपको लिखना है कि कौन उसकी साफ़ सफाई देखभाल करते हैं. क्योंकि हम तो अच्छे घराने से हैं, हमारी मम्मी सब साफ़ करती है. तो मुझे नहीं लगता कि आपके इर्द गिर्द या मेरे घर के इर्द गिर्द ऐसा मुझे मिलेगा. हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेनेज रिपेयर, तो वो है म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, वो करते हैं. कैन एनी लार्वा लार्वी हैज़ बीन सेंड टू कलेक्ट इन द कलेक्टेड वाटर. आपने जो भी पानी भेजा है क्या उसमें ये लार्वाज जमा है, तो येस और नो आपको ये लिखना है. क्योंकि आप गए हो, आपने देखा है तो आपको ये फिल करना है. हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया राइट, क्या किसी को डेंजर. अभी बीच में मुझे याद आया कि वहाँ से सब लेडीज आती थी, मैडम लोग, और वो लोग पानी में एक वाइट सा लिक्विड डालते थे बच्चों, ताकि क्या कि अगर कोई न करे नारायण अगर जर्म्स होते हैं तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो ये मुझे याद आ रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, तो ये बड़ा ध्यान देते हैं ये लोग. मेक अ पोस्टर इन योर ग्रुप, मेक अ पोस्टर टू कीप द कूलर टैंक ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन. पुट अप द पोस्टर इन द अराउंड योर स्कूल. तो ये पोस्टर आप बना सकते हो कि ये देखो क्लीन है और सब कुछ अच्छे से है. फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन. वेयर letters from your class reporting your findings and suggestions and तो हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं, वो बैठते, वो भाई साहब बहुत अच्छे और वो क्लीन रखते हैं. उनको कोई कहता नहीं है, बट वो कहते हैं कि हम क्लीन रखेंगे तो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा. तो 73 पेज पर इतना हमारा हो गया है बच्चों. देखते हैं सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है. तो कुछ बच्चों ने सर्वे किया है, तो आप अगर करना चाहते तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो. वी फाइंड समथिंग ग्रोइंग अराउंड द टैप्स हाँ स्कूल विच इज़ कॉल्ड एल्गी. ड्यू टू द एल्गी अ काइंड ऑफ प्लांट हैज़ बीन बिकम स्लिपरी देन. तो स्लिपरी हो गया है. द एल्गी फाइंड स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. वी थिंक दैट देर इज़ सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. तो देर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल. एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ प्लांट्स. तो आपने एक बच्चे ने ये बताया है कि वहाँ पर एल्गे इतना सारा है तो स्मॉल प्लांट्स भी वहाँ ग्रो हुए हैं. और यहाँ पर अराउंड द पॉन्ड देर आर पिट्स ऑफ वाटर, तो वो वाटर में भी एल्गे हुआ है. तो ये सर्वे उन्होंने किया है. अब ऑब्वियसली है, देखो ये बाहर किया गया है, उनके घर के इर्द गिर्द नहीं है, स्कूल के है तो भी वो भी दूर है. नियर द स्कूल कह रहे क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्कूल वाले ध्यान देते हैं और क्लीन रखते हैं. इज़ देयर अ पॉन्ड और अ रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल. गो देयर एंड ऑब्जर्व सराउंडिंग थिंग्स. कैन यू सी एल्गी इन अराउंड द वाटर. आपने वापस देखा है, वो पूछ रहे हैं. तो अगर हाँ आपने देखा है तो आप राइट कीजिए, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं. हैव यू सीन एल्गी एनीवेयर, तो ठीक है.
आर दीज प्लांट्स ग्रोइंग इन द साइड इन वाटर फाइंड आउट द वे, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है जहाँ आपने ये देखा है, तो उसके बारे में आपको लिखना है. व्हाट डू यू थिंक, दे वर प्लांटेड इन समवन्स और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन, तो आपको ये बताना है. मेक इट, मेक अ लिस्ट. और साइंटिस्ट पिप्स इनटू अ स्टमक्स, मस्कीटो स्टमक. एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस अमॉन 100 years. तो बहुत पहले बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग बात हुई, क्या हुई ये जानेंगे अभी. साइंटिस्ट फाउंड आउट द मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया. हाउ द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड इट, लेट्स रीड दीज वर्ड्स. माई फादर वॉज इन इंडियन आर्मी, आई लिव्ड इन इंडिया, आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर. वो डॉक्टर बनना चाहते हैं भाई साहब. रोनाल्ड रॉस एंड रीडिंग बुक्स, स्टोरीज एंड राइटिंग पोएम्स वर माई हॉबीज एंड आई लव म्यूजिक ड्रामा ऑल्सो. एक्सक्यूज मी. तो लुकिंग अराउंड में हमने 74 पेज तक किया है बच्चों. आप प्लीज़ अच्छे से इनको रिवाइज़ कीजिए, लिखिए ये क्या कहना चाहते हैं, ये समझिए. 5 बार इनको रीड करेंगे तो भी कम है. तो ये सर्वे आप पढ़ लीजिए, फिर आगे का सर्वे हम पढ़ते हैं रोनाल्डो रॉस के बारे में. तो इनका हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर और हम देखेंगे कि कितने तक क्या ये बोल गए हमको. तो नेक्स्ट पेज पे ये दिया है कि एट द सेम टाइम क्या हुआ था. तो इन्होंने क्या किया है बच्चों, एट दैट टाइम देर वॉज नॉट मच इंफॉर्मेशन अबाउट मलेरिया, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड. तो लोग टपाटप मरने लगे बच्चों, बट डिजीज का कुछ पता नहीं चला. दे अकर्ड दैट देयर हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेन था, मड था इसलिए. बट थ्रू द डिजीज वॉज कॉज बाय द डर्टी एयर इन द मड. अरे अरे, तो एयर हवा इतनी पल्यूटेड हो गई थी बच्चों, तो प्रॉब्लम होने लगा. एंड दे गेव द नेम मलेरिया. मलेरिया मीन्स बैड एयर. इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स हैव फ्लू जर्म्स वर फाउंड, बट दे डिड नॉट, डिड दीज जर्म्स कम फ्रॉम वन ऑफ आर प्रोफेसर्स थ्रू हिज जर्म्स वुड कम फ्रॉम द मस्कीटो. तो उन्होंने फिर अंदाज़ा लगाया ये ज़रूर मस्कीटो से होता होगा. Since I was a student of him, I started trying to know what that, and I spread all my days to catch and observe mosquitoes. We make these mosquitoes bite the patients, and in return the patients receive one anna, the currency of ancient times. तो ये क्या करते थे, patients को कटवाते थे मच्छरों से. फिर आगे देखेंगे बच्चों क्या हुआ था. At the hospital in Sikandrabad, we deset the mosquitoes and observed them under the microscope. But the evening, the neck would be sore or it would be tough task and also feel ill. तो ये जिनको काटे हैं ये मच्छर, इनको ये सब प्रॉब्लम हो गए थे बच्चों. उनके नेक एकदम स्वोलन हो गई थी, सोर हो गई थी, वो लोग एकदम इल फील करने लगे थे. नथिंग वॉज फाउंड फॉर सेवरल डेज. फिर वन डे आई सॉ डिफरेंट लुकिंग आउट फॉर ब्राउन कलर्ड मस्कीटोज. आई लुक्ड इन टू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मस्कीटोज एंड आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर. वेर आई लुक्ड क्लोजर फाउंड दैट द जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट. तो उन्होंने फिर जो मलेरिया के पेशेंट्स थे बच्चों, वो उनसे और इनका टैली किया, तो पता चला कि यही चीज़ इनके जो पेट में है वो मस्कीटो के बाइट करने से हुआ है और वो पेशेंट इसीलिए बीमार हुआ. एंड दिस इज़ हाउ द मलेरिया स्प्रेडिंग जर्म्स वर डिस्कवर्ड. तो ये चीज़ हुई थी बच्चों. इन दिसंबर 1902 The Ronald Ross received the Nobel Prize for his invention. In 1905, even when he was dying, the last words were, I am finding something and I will find something new. तो last भी वो मर रहे थे तभी उन्होंने हार नहीं मानी बच्चों. वो end तक कह रहे थे कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करूँगा. What we had learned, how can the mosquitoes do not breed in our house, school or neighborhood? How can you find if
समथिंग हैज़ मलेरिया। तो कैसे आपको पता चलता है, तो ये आना आपको पता चला बच्चों, तो इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे आपको पता चला इनको मलेरिया है। एक तो वो जो होंगे उनको काफ़ी बुखार होगा, उनकी तो शक्ल अच्छी नहीं होगी देखने जैसी, बीमार बीमार से रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा इनको मलेरिया है। फिर लास्ट हमने नई बात क्या सीखी यहाँ पे, आना की बात की। आना मीन्स करेंसी। अगर इनको रोनाल्ड रॉस की जो इनकरेजमेंट किया इन्होंने बच्चों को, साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव किया कि बच्चों सिकंदराबाद हॉस्पिटल से कि सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल सभी नहीं हो पाते है ना। तो उनको ये डिज़ीज़ उन्होंने पता की एंड इन्होंने कंट्रोल किया। फिर इन्होंने कलेक्ट किया एक्साइटिंग स्टोरीज और इन्वेंशन अबाउट द डिफरेंट थिंग्स एंड शेयर इट विद चिल्ड्रन। इन्होंने सब बहुत सारा इंटरेस्टिंग मिला, आप भी संशोधन कर सकते हो, आपको नेट पे मिल जाएगा। और ऐसे करके आप जब आओ तब मुझसे भी ये बातें शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, क्लाइंबिंग हाई। बाय बाय, टेक केयर। इसको अच्छे से 3 बार पढ़िए, लिखिए, हार्ड वर्ड्स लर्न कीजिए। मिलती हूँ न्यू लेसन के साथ, क्लाइंबिंग हाई।